अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं चापली कबाब, जिसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है। इसको मैंने वॉश किया था बट इसका पानी बिल्कुल सूखा हुआ है। आप डायरेक्ट कीमा बिना वॉश किए बना सकते हैं। तो अब हम कीमे को सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। मसालों में 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, कुटा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर आप अनारदाना खाना पसंद करते हैं तो आमचूर की जगह आप अनारदाना इसमें डाल सकते हैं। चॉप किया हुआ धनिया और चॉप किया हुआ पुदीना डाल देंगे। ये बारीक सी मैंने प्याज एक मीडियम साइज़ की चॉप की है, इसको हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। अब इन सबको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको हम एक बार जार में ग्राइंड कर लेंगे। अब इसमें तेल डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब और इसको मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसमें कॉर्नफ्लावर या चने का आटा भी ऐड कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए, बट मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब इसको जार में डाल देंगे हाफ क्वांटिटी में और इसको हमें ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने से ये होगा कि कबाब हमारे टूटेंगे नहीं और इसमें कोई भी आटा हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ग्राइंड करने के बाद कितनी अच्छी बाइंडिंग आ चुकी है इसमें। तो ये सेकेंड वाला भी हम इसमें घुमा लेंगे जार में। ये देखिए ये भी पीस कर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी तरीके से देखिए ये पीस चुका है। अब इसमें जो हमने चॉप करके प्याज रखे थे वो डाल देंगे। बिल्कुल बारीक चॉप करना है और आप चाहे तो टमाटरों को कट करके भी इसमें डाल सकते हैं, बट टमाटर मैं ऊपर से इसमें लगाने वाली हूँ। तो प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। अब इसमें एक अंडा फोड़कर डालेंगे। आप चाहे तो अंडे को फ्राई कर ले। फ्राई करने के बाद इसको हल्का सा तोड़कर इसमें मिक्स कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कच्चा भी मिक्स कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा स्टिकी है ना, तो ये जब तक ड्राई नहीं हो जाता इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए मिक्स कर लिया है। 1/2 घंटा इसको फ्रीज में रख देंगे ताकि सेट हो जाए। अब 1/2 घंटा हो चुका है, ये सेट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं चापली कबाब बनाना। तो आप हाथों में ऑयल वगैरह लगा सकते हैं, बट मैंने कुछ भी नहीं लगाया है क्योंकि बिना ऑयल लगाए ही ये बन रहा है, चिपकना नहीं है। तो सबसे पहले बड़ा पार्ट ले लेंगे कीमे का और इसको हम रोल कर लेंगे। उसके बाद इसको चपटा, बिल्कुल चपटा करना है क्योंकि ये फ्राई होने के बाद में साइज़ में थोड़ा फूल ही जाता है, इसलिए जितना आप इसको चपटा कर सकते हैं उतना चपटा कर ले। और ये टमाटो के स्लाइस को बिल्कुल बारीक सा आपको मतलब पतला कट करना है। ये देखिए इस तरीके से एकदम पतला आप जितना कट कर सकते हैं स्लाइस टमाटर का उतना पतला कट कर लें और इसको रख दें। अगर आपको टमाटर चॉप करके डालने हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, बट मैंने ऊपर से लगाए हैं। तो ये देखिए ये एक एक बनाते जाना है और ऑयल में फ्राई करते जाना है, बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसको प्लेट में रखा है बनाकर। तेल ज़्यादा लेना है, तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे और एक एक करके कबाब हम इसमें चापली कबाब को डाल देंगे। देखिए हमने बाइंडिंग के लिए इसमें कुछ भी नहीं डाला था और यहाँ तक कि मेरे कीमे में फैट भी नहीं था, चर्बी वाला कीमा भी नहीं था मेरा। सिर्फ मैंने ऑयल डाला है इसमें 1 टेबल स्पून और आटा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। तो आप अगर इस मेथड से बनाओगे तो आपके भी चापली कबाब बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे और टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पर भी अच्छी तरह से कलर आने देंगे। ये जल्दी ही बनकर रेडी हो जाता है, इसलिए लो फ्लेम पर नहीं पकाएंगे इसको। मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा कलर आने तक पका लेना है। तो ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब दूसरे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दूसरे भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। इनको भी अल्टी पल्टी करते हुए दोनों साइड से फ्राई कर लेना है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी दूसरी रेसिपी डालूँगी वो सबसे पहले आपको देखने मिलेगी। तो ये कबाब हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं, इनको मैंने डिश आउट कर लिया है। देख सकते हैं आप बहुत ही लजीज हमारे चापली कबाब बनकर तैयार हुए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट है। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।